विश्वात्मके देवे येणि वागत्नी तोषावे सध्या वारीचे दिवस सुरू आहेत. विठ्ठलाच्या भक्तीत हरवून जाऊन हे शब्द ओठी घेऊन वारकरी पंढरीला निघाले आहेत. पण कल्पना करा, हेच गीत एखादी काश्मीरी मुस्लिम स्त्री गात असेल तर तुम्हाला ऐकून विश्वास बसणार नाही, पण हे खरंय. शमीमा अख्तर असे या काश्मीरी मुस्लिम मुलीचं नाव आहे. सध्या त्या पुण्यामध्ये स्थायिक आहेत. संगीत हे सर्व धर्म, प्रांत, भाषा यांना ओलांडून थेट माणसाच्या हृदयाला भिडते. म्हणूनच की काय, शमीमा अख्तर यांना महाराष्ट्रातील मराठी मातीतले संतांचे अभंग भावले. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. मैं शमीमा अख्तर आरागाम बांडीपुरा कश्मीर की रहने वाली हूँ. क्योंकि हमारे घर में ही ऐसा माहौल है. मेरे नाना जो है रबाब पहले प्ले करते थे और अभी वो बहुत ही बड़े शायर हैं कश्मीर में. अब्दुल अहद बोहरू नाम है उनका. और मेरी नानी भी शायरी करती थी. तो और मेरे जो दादा हैं वो भी हमारे घर में उर्स होता था. तो जो मैंने अभी तोश बुलबुलो एक कश्मीरी संत है लाल अरगामी उनका गाया है, तो वो बहुत ही लोगों को पसंद आया. बहुत लोगों ने पसंद किया वो सॉन्ग एक्चुअली. सो उनके जो है मेरे नाना और मेरे जो दादा है वो शागिर्द थे. तो इसीलिए हमारे घर में उर्स होता था साल में दो बार. तो उर्स में हमारे यहाँ क्या होता है ना, कव्वालियाँ ऐसे बजती हैं, दिन रात चलता है. तो मैं बचपन से वही सुनते सुनते मुझे बहुत शौक हुआ कि मैं भी ऐसे म्यूज़िक सीखूँ. लखनऊ गई और लखनऊ से मैंने भातखंडे यूनिवर्सिटी से मैंने विशारद कम्प्लीट किया. तो मैं पुणे आई और पुणे सरहद में. और यहाँ पे मैंने जब देखा कि मेरे बचपन के दोस्त, मेरे जैसे जो भाई थे उस टाइम पे, हम लोग स्कूल में वहाँ कश्मीर में साथ में थे, सेकंड में ऐसे फर्स्ट में. सो मैंने उनको देखा यहाँ पे सरहद में. तो मुझे वो एकदम से याद आ गई. जब उनको यहाँ आना था उस टाइम पे, तो मुझे भी ये हुआ था कि मुझे भी आना था एक्चुअली उनके साथ. बट किसी रीज़न की वजह से मैं सरहद नहीं आ पाई थी. तो संजय नाहर सर, संजय नाहर मैम, उन लोगों से हमें माँ बाप का प्यार मिला. और एक फैमिली की तरह हम रहते हैं यहाँ सरहद. जब पसाईदान मैंने सुना था फर्स्ट टाइम नाहर मैम से, तो वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था. एक अलग ही उसमें पॉजिटिविटी, ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जब भी मैं वो सुनती थी पहले. तो फिर मैंने वो सोचा कि नहीं, मुझे ये करना है. तो फिर हम लोगों ने वो किया सरहद म्यूज़िक पे, और बहुत बहुत व्यूज़ आए, बहुत लोगों ने पसंद किया, महाराष्ट्र से बहुत प्यार मिला. सो फिर हमने सोचा कि नहीं, आगे भी हमें अभंग करने हैं. अभंग मैंने सुना और सुने बहुत सारे. फिर मैंने उनकी प्रैक्टिस शुरू की. मैं मराठी सॉन्ग्स जब सुनती हूँ तो फिर मैं उसको उर्दू में लिखती हूँ, उर्दू में या इंग्लिश में लिख के. देन उसको हम फिर मैं उसको लर्न करती हूँ बहुत, क्योंकि ये बहुत मराठी जो है ना बहुत टफ है. कुछ इसमें एक शब्द है वो मुझे बहुत प्रैक्टिस किया है करने के लिए. सो फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए हम सर मैम के पास भेजते हैं. और वहाँ से फिर आता है जब कोई भी वर्ड ऐसे गलत होता है, तो फिर से हम उसको करते हैं. और प्रैक्टिस करने में हमें बहुत टाइम लगता है उसको टंग पे लाने के लिए, मराठी लैंग्वेज को. लेकिन अभी इतने सारे अभंग आए हैं तो अभी थोड़ा सा पहले से ईजी हो गया है कि भी. और मुझे ये मराठी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है. बहुत प्यारी है लैंग्वेज. सो और मैंने कन्नड़ में भी अभंग गाया है. तो सो पसाईदान का मीनिंग जो है, मुझे जब मैम ने एक्चुअली मुझे बोला था, नाहर मैम ने मुझे बोला कि पसाईदान का मीनिंग क्या है, जैसे विश्व में पूरी दुनिया में शांति के लिए दुआ किया गया है ना. सो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, ये दुआ है एक्चुअली, है ना. तो मुझे बहुत प्यारा, जब भी मैं ये गाती हूँ ना मुझे कौन सा मिलता है, मुझे बहुत खूबसूरत सा ऐसे एहसास होता है, उसमें महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है. सो 10 अभंग तक हमने किए होंगे अपने सरहद म्यूज़िक यूट्यूब चैनल पे. और अभी आगे भी हम करने वाले हैं इंशाल्लाह, और अच्छा अच्छा करेंगे. ये मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे किसी ने आज तक नहीं बोला. इवन मैं कश्मीर से हूँ तो कश्मीर में भी कितने मुस्लिम से बहुत सारे, बल्कि सबसे मुझे प्यार मिला.
पेरेंट्स से, बाकी सब लोगों से, सबको अच्छा लगा कि उनको उनको ये जाता है कि ये मैसेज होता है कि हाँ कश्मीरी लड़की कर रही है कुछ और अलग लैंग्वेज में कर रही है कि ये कितनी टैलेंटेड है, इतना सुनने को मिला, ये बहुत अच्छे कमेंट्स है। और पाकिस्तान से हमें रिव्यू आए, बहुत अच्छे रिव्यू, उन्होंने रिएक्शन वीडियोज़ बनाए थे, तो ये देख के ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लोगों से प्यार मिल रहा है। बाकी कोई नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं आए। पसायदान गाताना खूप छान वाटतं, एक प्रसन्न शांतता मिळते। मराठी भाषेमध्ये एक वेगळीच गोडी आहे। मराठी अभंग गाता गाता हळूहळू मी मराठी भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करते, असे शमीमा यांनी सांगितलं। पुण्याहून प्रियांका माळी, न्यूज 18 लोकल।